हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायरेक्टिव टेक हाउस। आज मैं अपने टॉपिक जो बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ टू गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च टॉप 10 मोस्ट आयरन रिच फूड। पॉज दिस वीडियो, गो अहेड एंड सर्च एंड देन कम बैक हियर। अगर आपने सर्च कर लिया है सो लेट मी टेल यू, आई हैव ट्राइड टू डू द सेम थिंग एंड ऑफ कोर्स इन दिस आयरन रिच लिस्ट आपको स्पिनच पक्का से मिली होगी। इन द टॉप 10 आर्टिकल सजेस्टिंग कि आयरन रिच अगर है तो स्पिनच तो उसमें डेफिनेटली होगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू गाइस दैट दिस इज ऑल अ लाई एंड अ फ्रॉडुलेंट हॉक्स। What? Hold up, wait a minute. Wow. And that is why आज मैं इसी टॉपिक पे बताना चाहती हूँ that spinach, which is considered the most iron rich food, is absolutely a lie. Spinach iron rich नहीं होती है। सबसे पहले तो question यही उठता है कि हमें आयरन चाहिए क्यों होता है बॉडी में, और अगर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, वी वांट आयरन ताकि हमारा ब्लड जो प्रोडक्शन है वो सही रहे, और अगर ब्लड प्रोडक्शन में कमी आती है दैट मींस हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है और हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है एनीमिया, वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है बॉडी में। नाउ अगर आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी में तो ऑफकोर्स हमें आयरन रिच फ्रूट्स और फूड्स को खाना पड़ेगा। तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करोगे, पालक खाके? एब्सोल्युटली नो। विद दैट लेट मी स्टार्ट विद अ कार्टून जो हमारे बचपन में बहुत फेमस था, पोपाय द सेलर मैन। जनरली ये मिस इंटरप्ट किया जाता है कि पोपाय अपने कार्टून में जो स्पिनच खाता था वो इसलिए खाता था क्योंकि स्पिनच आयरन रिच होती है और उससे उसे शक्ति मिलती है, एंड दैट इज हाउ ही यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द विलेंस। बट एक्चुअली द ट्रूथ बीइंग टोटली अपोजिट, स्पिनच पोपाय इसलिए खाता था क्योंकि स्पिनच हैज ऑलवेज बीन अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, नॉट आयरन। और ये मैसेज पूरी ऑडियंस ने काफी मिस इंटरप्ट किया है। इसी को चलते देखकर 1930 में अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स केमिस्ट इन जर्मनी फिगर्ड आउट दैट स्पिनच कभी भी आयरन में रिच था ही नहीं। इन फैक्ट ये इतना मिस इंटरप्ट हुआ कि टेक्सास में 1936 में इस कार्टून को देखने के बाद स्पिनच प्रोडक्शन 33% इंक्रीज हो गई थी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लानिंग। जब ईसी सिगार जो क्रिएटर है पोपाय द सेलर मैन कार्टून का, उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों दिया जबकि स्पिनच आयरन में रिच नहीं होती है, ही वॉज बीइंग इंटरव्यूड एंड ही टोल्ड दैट उन्होंने कभी ऐसा मैसेज दिया ही नहीं। ही ऑलवेज गेव द मैसेज दैट स्पिनच हैज ऑलवेज बीन ईटन बाय पोपाय बिकॉज इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। यहाँ से एक और मिथ स्टार्ट हुआ जो प्रोफेसर आर्नोल्ड बर्नर्ड ने निकाला कि पुरानी स्टडीज में ये फाइंड आउट हुआ था कि स्पिनच आयरन में रिच इसलिए थी क्योंकि देयर वाज अ डेसिमल एरर मिस्टेक। ही टुक अ एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन व्हिच लेटर ऑन वाज बस्टेड बाय माइक सटन इन 2010, जिन्होंने बताया कि जो बहुत पुरानी स्टडीज 90s में हुई थी कि स्पिनच आयरन रिच है वो इसीलिए गलत थी क्योंकि द स्टडी वॉज कंडक्टेड इन अ वेरी अनहाइजीनिक एंड कंटेमिनेशन मैनर, जिसकी वजह से स्पिनच की आयरन वैल्यू सही नहीं आई थी। सो इससे हमें 3 मिथ समझ आते हैं। नंबर 1 मिथ वॉज दैट पोपाय ऑलवेज एट स्पिनच बिकॉज इट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड नेवर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। सेकेंड मिथ वॉज दैट जो डेसिमल एरर स्टडी फाइंड आउट हुई थी आर्नोल्ड बर्नर की,
वो फ्रॉडुलेंट निकली एंड इट वॉज ऑल्सो नॉट द रीजन. एंड थर्ड मिथ ये है कि स्पिनच कभी आयरन रिच सोर्स था ही नहीं और ये सच 1930s में ही निकल चुका था. यू कैन सी दिस आर्टिकल राइट ओवर हियर. इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ. So you can go ahead and read more about the scandal and the myth busted of spinach being rich source of iron. Point being, agar such 1930s mein hi release ho gaya tha, then why people are still believing that spinach abhi bhi iron rich sources hai? The problem stands within you and me. We the people still believe and opt poor dietary sources. Humne abhi tak वो चेंज वो ट्रूथ ना एक्सेप्ट किया है ना डिस्कवर किया है. इन फैक्ट मोस्ट ऑफ अस वर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट टिल नाउ. टू बी ऑनेस्ट इट इज अ फैक्ट दैट स्पिनच के अंदर सिर्फ 2.6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम आयरन कंटेंट होता है. दैट इज वेरी लेस. एंड कैन यू बिलीव इट, डॉक्टर्स, health experts, dietitians, lots of other people are still recommending spinach being the rich source of iron. Control. Control, Uday. Spinach mein na hi iron content ki kami hai, balki uske andar jo compounds hote hain jaise oxalates and phytates, wo compounds inhibit karte hain jitna bhi iron uspe present hota hai, wo bhi absorb nahi ho pata hai properly body mein. So, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है तो what that person should eat? Here are some list of iron sources which are absolutely brilliant and one should always incorporate them in their diet. Generally, हीम आयरन जो हमें एनिमल से मिलता है वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो नॉन हीम आयन होता है जो हमें प्लांट बेस से मिलता है वो थोड़ा कम एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर. सो अगर हम एनिमल आयन की बात करें, सो लिवर इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयन. ऑल्सो देयर आर सम अदर रेड मीट्स. वेजिटेरियन एस्पेक्ट्स में मिलेट्स, स्पेसिफिकली लाइक बाजरा एंड रागी, आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ आयन. इनफैक्ट गार्डन क्रेस सीड्स जिसे हम हलीम के बीज कहते हैं, उनके अंदर 100 mg पर 100 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है एंड दैट इज अ एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ आयरन. कॉलीफ्लावर ग्रीन्स जिसे हम गोभी के पत्ते कहते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं, उन्हें यूज नहीं करते, वो भी काफी रिच सोर्स होते हैं आयरन के. सो इट्स बेटर कि आप उसे फेंके ना और उसे अपने डाइट में कंज्यूम करें. और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं आयरन रिच के, जैसे कि डेट्स जो खजूर होते हैं, जिंजली सीड्स जिन्हें हम तिल के बीज कहते हैं, राइस फ्लेक्स जिसे हम पोहा कहते हैं. दीज आर सम ऑफ द गुड सोर्सेस ऑफ आयरन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरन को हमेशा विटामिन सी के साथ खाना चाहिए क्योंकि उससे उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पोहा खा रहे हैं जो कि आयरन रिच होता है, तो अगर उसके साथ आप लेमन का जूस, ऑरेंज का जूस कॉम्प्लीमेंट्री पियेंगे, सो इट विल हेल्प यू लोड्स कि आपके अंदर वो आयरन काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा. So that is it for today's video. I hope आपको अब पता चला हो कि पालक एक अच्छा सोर्स नहीं है आयरन का. And please don't fall into these traps कि आयरन रिच है तो पालक तो खाना ही चाहिए. Now I have told you the good sources of iron. हम मिलेंगे अपने next video में कोई नया myth खोलते हुए. With that, अगर आप नए हैं तो don't forget to subscribe the channel, press the bell icon so you will be notified for every upcoming videos and share this information with the friends ताकि आप उन्हें भी बता पाओ कि spinach एक iron rich source नहीं होता है.